जिला मुख्यालय धर्मशाला और मैक्लोडगंज में 45 इमारतें नियमों की दरकिनार कर 15 मीटर से भी अधिक ऊंची खड़ी की गई हैं। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में आता है। अग्निशमन विभाग ने इन ऊंची इमारतों की रिपोर्ट आगामी कार्यवाही के लिए निदेशालय भेज दी है। अब निदेशालय से आगामी निर्देश आने के बाद ही 45 ऊंची इमारतों के मालिकों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला मुख्यालय धर्मशाला और मैक्लोडगंज में 45 इमारतें नियमों को दरकिनार कर 15 मीटर से भी ऊंची खड़ी की गई हैं। आपको बता दें कि जिला कांगड़ा भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में आता है। अग्निशमन विभाग ने भी इन ऊंची इमारतों की रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए निदेशालय को भेज दी है। अब निदेशालय से आगामी निर्देश आने के बाद इन 45 ऊंची इमारतों के मालिकों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत में एक शैक्षणिक संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में ऊंची इमारतों की जांच पड़ताल के निर्देश अग्निशमन विभाग को मिले थे। इन्हीं आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अग्निशमन विभाग धर्मशाला भी जिला मुख्यालय और मैक्लोडगंज स्थित होटलों भवनों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों की भवनों की जांच पड़ताल में जुट गया था। शुरुआती दौर में उसे 15 भवनों को 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन इस बार अग्निशमन विभाग ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज में 45 होटल 15 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़े पाए। वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से नियमों को दरकिनार कर खड़ी की गई इमारतों की रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। अब निदेशालय के आगामी निर्देशों के बाद ही इन भवनों के मालिक पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान जहां उनके भवनों को अवैध घोषित किया जा सकता है, वहीं जुर्माना भी वसूला जा सकता है। फायर ऑफिसर धर्मशाला स्वरूप कुमार चौधरी ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने धर्मशाला और मैक्लोडगंज में 15 मीटर से अधिक ऊंची वाली इमारतों का सर्वे किया और इसका ब्यौरा नगर निगम धर्मशाला से लिया तो पाया कि 45 होटलों की इमारतें इस ऊंचाई से अधिक पाई गई हैं और इसकी रिपोर्ट बनाकर निदेशालय को भेज दी गई है। हमें हमारे निदेशालय से जो है शिमला से आदेश हुए हैं कि जो भी 15 मीटर से ऊपर हाइट की बिल्डिंग्स है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो होटल है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल है, चाहे एजुकेशनल है, हैजर्स बिल्डिंग है, मतलब जो भी मतलब जितनी भी श्रेणियाँ इसमें आती हैं उन सभी के लिए जो हमारे को इंस्पेक्शन के लिए आदेश हुए हैं और 15 खासकर 15 मीटर से जो ऊपर की हैं उनके लिए हमें जो इंस्पेक्शन के आदेश हुए हैं। तो हमने जो है कमेटी एरिया म्यूनसिपल कमेटी से जो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनके पास रजिस्टर्ड होटल हैं वो 45 जो है वो 15 मीटर से अवाब हैं, तो हम उनसे उनकी जो है मतलब क्रम वाइज जो उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट जो हम शिमला भेजेंगे और शिमला से वो जो है हमारी रिपोर्ट जो है हमारे डीजी के थ्रू जो गवर्नमेंट को जाएगी, क्योंकि पहले हमारा फायर सर्विस एक्ट था, फायर सर्विस एक्ट 1984, लेकिन अभी जो है हमारे फायर सर्विस रूल बनने जा रहे हैं तो इसलिए जो इन बिल्डिंगों का जो सर्वे करवाया जा रहा है। थैंक यू सर।